हाय गाइस, वेलकम टू द बैक कोडिंग। आज हम करने वाले हैं टॉपर्स ऑफ द क्लास वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है जो कि डिनोट करते हैं एन स्टूडेंट्स के मार्क्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टॉप के मार्क्स स्कोरर्स, और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट। सी प्लस प्लस में है तो वैक्टर। हमें उसमें हर टॉपर के मार्क्स का इंडेक्स देना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास के की वैल्यू 3 है, और हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स का, तो 3 टॉप के बंदे कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जो प्रिंट करना होगा ना, हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करना होगा कि 3 पहले आ जाएगा, इंडेक्स 3 पे है, उसके बाद इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, क्योंकि तो ये दोनों तो मार्क्स सेम है, तो इसमें पहले वो आएगा जो पहले अपीयर हुआ, जिसका इंडेक्स छोटा है। इंडेक्स छोटा यानी 0, तो इसे हम बड़ा मानेंगे, तो ये आएगा, इंडेक्स हो जाएगा ये 0, उसके बाद आएगा 1। तो कुछ यही करना है हमें, और इस चीज़ को अचीव हमें करना है कितने कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग के होनी चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। ये हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमें फॉलो करना है। तो हमें केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना आता है कह रहे का, इससे प्रायोरिटी क्यू से यूज करके। वो क्या करता है, वो भी एन लॉग के टाइम ले लेता है, तो यही हम इसमें यूज करेंगे। तो किस तरीके से यूज करेंगे देखते हैं। हमारे पास डेटा है 2 2 1 3 1, इसका इंडेक्स 0 1 2 3, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। हमारी जो प्रायोरिटी क्यू बनेगी, जो हमारी प्रायोरिटी क्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, मिन हीप टाइप बनेगी। मिन हीप टाइप बनेगी, ये क्या करेगा, जब तक के एलिमेंट्स हमारे हीप में ना आ जाए, मतलब हमारे इसमें ना आ जाए प्रायोरिटी क्यू में। तो पहले हमने क्या डाला, पहले 2 डाला, फिर 2 डाला, अभी के हमारा 3 है, एलिमेंट्स हमारे अभी 2 हैं, फिर 1 डाला, ये भी आ गया। अब जब मैं 3 डालता हूँ तो चेक करूँगा इन सब में से सबसे छोटी कौन सी है, मिन हीप। मिन हीप में क्या है, सबसे छोटी वाली को पहले निकाल देगा, तो पहले सबसे छोटी वाली को निकाल देंगे, उसके बाद इस बड़ी वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लो ये 4 होता, अभी 4 होता तो क्या करते, दोबारा चेक करते सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 2 स्मॉलर देन 4 है, तो इस बार 2 वाले को निकालते, 2 हमारे टॉप में पड़ा होता और 4 को पुट कर देते। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 0 वाले इंडेक्स का है, ये 2 1 वाले इंडेक्स का है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेयर क्लास बनाएंगे। पेयर क्लास क्या करेगा, एक मार्क्स रखेगा, दूसरा उस मार्क्स का इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स डालेंगे। तो देखते हैं दोबारा इसे एक बार। अब क्योंकि ये मिन हीप टाइप है, तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, तो बड़ी वैल्यू अंदर रह जाएगी। तो केथ एलिमेंट का हमें पता है कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं प्रायोरिटी क्यू से, तो बस वही कर रहे हैं। इस बार हम क्या करेंगे, पेयर क्लास। पेयर क्लास में सबसे पहले क्या डाला, 2 डाला, 2 के साथ उसका इंडेक्स 0। अभी के इक्वल टू 1, फिर 2 डाला, इंडेक्स 1, अब डाला 1, इंडेक्स 2। जब मैं 3 डालने जाऊंगा तो यहाँ यहाँ चेक करेंगे कि साइज ऑफ मिनिप क्या हुआ, कैसे ज़्यादा हो गया, अगर मैं इसे डाल देता हूँ तो इसका मतलब पहले मुझे एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अब जो पहला एलिमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, सबसे छोटी वैल्यू। तो इन तीनों में सबसे छोटी अभी क्या है, मार्क्स के हिसाब से देखें तो 1, तो ये क्या होगा, ये हमारे टॉप पे दिखेगा, इसके अपने प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे दिखेगा, तो इसे हम पॉप कर देंगे, उसके बाद इस 3 विद इंडेक्स 3 को पुश कर देंगे। अब पुश कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 4 होता दोबारा, अगर ये 4 होता, अब क्या करते, अब चेक करते मिनिमम। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा निकलना चाहिए,
अब यहाँ चेक करेंगे दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू वैल्यू वो होगी क्योंकि हमें क्या, जो पहला इंडेक्स जो आ जाए अगर हमारी वैल्यू सेम है, जो पहले अपीयर कर रहा है ना उसका इंडेक्स देना है। इसका मतलब हमारे लिए पहली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी होगी, ऐसा हमें मानना है। यहाँ पे कंपेरिजन होगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्क्स तो सेम है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि मेरे को इस बार ये वन वाला जो इंडेक्स वन है, जिसका इंडेक्स ग्रेटर देन दूसरे वाले से है, उसे मेरे को छोटी माननी पड़ेगी। तो कंपेरेबल क्लास लिखना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू ऑफ वन पीक पे होगा, ये पीक पे होगा क्योंकि हमें तो पहली वैल्यू चाहिए जो कॉमन हो, अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो पहली वैल्यू चाहिए, तो पहली वैल्यू तो जीरो इंडेक्स के साथ ही होगी ना, तो वन वाला हमारा स्मॉलर माना जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे पॉप कर देंगे तो ये तो निकल गया और फोर विद इंडेक्स फोर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है, होप आपको समझ आ गया होगा अब तक तो क्या करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसे कोड करके। हमारे पास क्या है, मार्क्स है, ए है, और एक आंसर दे रखा है जिसमें हमें अपने सभी इंडेक्स को रिटर्न करके लाना है। तो सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी पी क्यू नाम दे देता हूँ इसका, और इसमें ये बनेगा पेयर टाइप का। फिर क्या करेगा, पेयर, अच्छा कंपेयर भी कराना है तो एक कंपेयर टू लिखेंगे हम, कंपेयर टू, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी क्यू जो होता है सीपीपी में वो मैक्स हीप होता है, हमें उसे मिनीप बनाना है, तो कंपेयर टू तो करना ही पड़ेगा इसको। तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया। चलो इसका पेयर क्लास भी बना लेते हैं, क्लास पेयर। इसमें क्या होगा, पब्लिक, एक मार्क्स होगा और एक आईडीएक्स यानी कि इंडेक्स। एक इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और अब इसका आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इंट एम इंट आई। दिस दिस मार्क्स इक्वल टू एम, दिस आईडीएक्स इक्वल टू आई। ये हमारा बन गया पेयर क्लास का कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक टैब, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है, कंपेयर कराना है, तो इसके लिए एक कंपेयर टू क्लास लिखेंगे, क्लास कंपेयर टू, किस तरीके का होगा, पब्लिक बूल टाइप का ऑपरेटर, और इसके अंदर ए का इंडेक्स छोटा मानेंगे हम, बी डॉट इंडेक्स है, वरना वरना अनिक्वल होंगे। अनिक्वल होंगे तो किस हिसाब से करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स ए का मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन बी का मार्क्स। अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिक शॉर्ट कर देगा जैसा हमें चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर इस मार्क्स इक्वल होते हैं तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अगर इक्वल नहीं होते तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करेंगे, और ये शॉर्टिंग हमारी मिनीप हो रही है, हमारी प्रायोरिटी को मिनीप बना रही है। तो ये कंपेयर टू क्लास लिख दिया हमने। अब हमें बस अपना बाकी का काम करना है, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन मार्क्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। इफ पी क्यू डॉट साइज इज लेस देन के, इसका मतलब अभी उसमें के एलिमेंट्स नहीं है, हमें क्या करना है, पुश करना है इसमें पी क्यू डॉट पुश, एक पेयर पुश करेंगे क्योंकि हमने पेयर बना रखा है, पेयर में क्या है, मार्क्स और उसका इंडेक्स आई। इफ पी क्यू के टॉप पे जो मार्क्स रखा है, ठीक है, जो मार्क्स रखा है वो अगर लेस देन हो मार्क्स एट आई के,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P2 से पॉप कर देंगे तो छोटी वैल्यू निकाल देगा, छोटी मार्क्स वाली वैल्यू निकाल देगा। उसके बाद PQ में दोबारा पुश करेंगे एक नया पेयर, किसका, जो इस बार बड़ी वैल्यू मिली है इंडेक्स के साथ, ये हमने कर दिया। अब हमारा आंसर कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे थे, 1, 2, 3। अब जब तक सारे खाली ना हो जाए तब तक हम एलिमेंट निकालेंगे। पहले क्या निकलेगा, 2 निकलेगा इंडेक्स 0 के साथ, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 3 निकलेगा इंडेक्स 3 के साथ, फिर 4 निकलेगा इंडेक्स 4 के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें तो सबसे पहले ज़्यादा वाली वैल्यू का इंडेक्स चाहिए था, निकली पहले क्या, कम वाली। हम अपना इटरेशन पीछे से कर देंगे अपने आंसर का। तो यहाँ पे मैं लूँगा int idx इक्वल टू k-1 वाइल idx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे, हमारे पास आंसर गिवन है यहाँ पे, हमें बस के इंडेक्स पे PQ के टॉप का जो इंडेक्स रखा है, क्योंकि हमें तो इंडेक्स चाहिए, वो डाल देंगे और फिर PQ से उसको पॉप करा देंगे। बस इतना सा कोड, एक पेयर क्लास लिखा जिसमें मार्क्स और इंडेक्स था, और यहाँ पे ये M है, ठीक। उसके बाद उसे कंपेयर करा दिया, किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के और इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अगर मार्क्स इक्वल है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अगर अनइक्वल है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कंपेयर हो रहे हैं। वो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, ये एरर दे रहा है एक, हमने क्लास के बाद सेमी कॉलन नहीं डाला। दोबारा रन करके देख लेते हैं, आंसर एट आई का स्कोप नॉट डिक्लेयर्ड है। एक बार इसे देखते हैं दोबारा, क्योंकि हमने इंडेक्स लिया है तो आई डी एक्स होगा, और हाँ ये वाइल लूप में हम आई डी एक्स ले रहे हैं तो आई डी एक्स माइनस माइनस भी तो करना है, माइनस माइनस कर दिया इसे। अब रन करते हैं दोबारा, तो ये चल गया, सबमिट करते हैं इसे, तो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। तो इस क्वेश्चन को हमने एन लॉग के में किया विद स्पेस ऑनली के, हमने सिर्फ के स्पेस यूज किया, हमेशा के ही एलिमेंट डाला है। तो होप आपको समझ आया होगा ये अप्रोच, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, थैंक यू।